Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Way Truth, Always Exposes Darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, क्या डेफिनेटली उनके मन में चल रहा है, व्हाट आर द फीलिंग्स दैट आर कमिंग स्ट्रेट अवे फ्रॉम देयर सोल, उनकी आत्मा जो है उनका एक्सप्रेशन क्या है. ठीक है, सो ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल जोडियक साइंस रीडिंग. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें. थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वो क्या कहना चाहते हैं. फीलिंग स्ट्रेट अवे फ्रॉम दर सोल, प्लीज यूनिवर्स गाइड. गाइज सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें. Ace of Pentacles, Five of Athams, Two of Athams, Ten of Wands. The moon, nine of pentacles, the witch, five of chalices, five of wands, bottom of the deck seven of pentacles. आपका भी थोड़ा सा मेंटालिटी या जो फीलिंग्स है आपका, आपकी जो करंट भावनाएं हैं वो भी मैं देख लेती हूँ ताकि आपको भी पता चले कि ये रीडिंग कितना हद तक आपके साथ रेजोनेट कर रहा है. यूनिवर्स प्लीज गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स जो है वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो कहना चाहते हैं, क्या उनके दिल में चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के दिल में क्या चल रहा है, क्या उनकी भावनाएं हैं. वी डू हैव नाइट ऑफ वैंड्स फ्रॉम योर साइड, Eight of Chalices, Queen of Wands, Zero the Green Man, Six of Chalices. Bottom of the deck हमारे पास है King of Chalices. पहले मैं आपकी feelings बता देती हूँ, उसके बाद आपका person का feelings और क्या कहना चाहते हैं वो भी मैं बताऊंगी और मैं वेरीफाई भी करूंगी. ठीक है, लास्ट में हम कुछ मैसेजेस देखेंगे. एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनुराशि, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स है 8, 5, 2, 10. 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट. 2, 9, 18, दैट इज 9, 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलो शुरुआत करते हैं आपके साइड से. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि करेंटली मैं आपकी अगर फीलिंग्स को चेक करूँ, आप इस तरह का हालात में है कि कहीं ना कहीं पे आप इस इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट महसूस तो करते हैं, बहुत पैशनेट भी हो जाते हैं इस इंसान के लिए. कहीं ना कहीं पे आपके दिल में चाहे जितना भी इनके साथ आपका, ठीक है, अफरा तफरी हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, मसले हो जाए, तभी भी आप जैसे इनको मतलब अपने दिल से नहीं निकाल पाते हो. बहुत समय हो गया है, कुछ लोगों के लिए बहुत साल हो गया है, तभी भी आपको मतलब ये आपके दिल में जैसे कब्जा करके बैठे हैं. मतलब मैं जाऊंगा नहीं या मैं जाऊंगी नहीं, तुमको जो करना है करो. सो इवन इफ यू आर मूव्ड ऑन, अगर आप मूव ऑन भी कर चुके हैं, अगर आप दूसरा शहर में भी आ चुके हैं, अगर आप दूसरा लोकेशन में भी आ चुके हैं, मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है. इट्स लाइक यू नो व्हाट, अगर आप फोटोज क्लिक करते हो और सोशल मीडिया पे देते हो तो कहीं ना कहीं पे आप देखोगे कि आपके पिक्चर्स में काफी फर्क है. आप पहले कैसे उदास थे,
पहले अभी क्या कैसे आप उदास रहते हो और उनके साथ आप कितना खुश थे, ये डिफरेंस तो आपको नोटिस में आएगा। इवन आपके फ्रेंड्स भी शायद बोलते होंगे। कुछ लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में हैं तो आप जम के इस इंसान के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। आपकी दिल की इस तरह से एक ऐसा स्विमिंग पूल हो और इन्फिनिटी स्विमिंग पूल हो, आप जानते ही हैं इन्फिनिटी स्विमिंग पूल किसको कहते हैं। और ऑफ कोर्स एक जंगल में एक ऑफ कोर्स बहुत सुनसान जगह हो, हम लोग कॉटेज ले ले, विल लेट अस एंजॉय, उस तरह का कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इफ़ यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, अगर आप इनके साथ कोई भी कॉन्टैक्ट में नहीं है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा उम्र क्या निकल जाएगा इसके इंतज़ार में, मैं क्या करूँ। मैं आप प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, आप करियर वाइज अच्छा कर रहे हैं, आप करियर वाइज सब कुछ संभाल भी पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपकी एंजॉयमेंट जो है, ठीक है, आप यू मतलब दैट पर्सन यू नो व्हाट इज़ अ स्टार ऑफ द पार्टी। हो सकता है आप लोग फ्रेंड्स मिलके जो है एक ग्रुप बनाते थे, फिर सब लोग आते थे और आपके पर्सन भी बहुत हंसी मजाक करते थे एंड ही और शी वॉज लाइक, वो नहीं होगा तो पार्टी का कोई मजा ही नहीं, चल छोड़, वो नहीं आएगा तो पार्टी क्या करके क्या फ़ायदा, इस तरह का कुछ माहौल मुझे दिखाई दे रहा है। एंड मे बी आप अभी तक वो जो सारे जो मतलब चीज़ें होते थे, ठीक है, इवन आपके जो बैचमेट्स थे उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप था, अभी कॉलेज के बैचमेट्स होंगे, कहीं पे भी होंगे, रीयूनियन का एक वाइब्रेशन दिखाई दे रहा है कि चलो सब फ्रेंड्स लोग मिल जाते एक साथ, मेरे पार्टनर भी आ जाएंगे कहीं ना कहीं पे, क्योंकि वो उसी कॉलेज से है, उसी स्कूल से है, सो ही और शी विल कम बैक। तो उस तरह का याद, उस तरह का मोटिव आपका दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप सोशलाइज बहुत ज़्यादा करते हैं। इवन कुछ लोग शायद आप सोशल मीडिया पे उनको भी ढूंढते हैं, मे भी उनको वहीं पे भी नहीं मिलते हैं आपको, तो आप काफ़ी उदास फील कर देते हो क्योंकि उनकी जो एब्सेंस है वो आपको बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कि मतलब आग लगा देता है आपको, ठीक है, उस तरह से ही है, आप जल जाते हैं बिल्कुल अंदर से, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, एंड यू ऑलवेज क्रेव फॉर देयर कॉल्स, मैसेजेस, ठीक है, वॉइस मैसेजेस जो आपको वो भेजते थे, ब्यूटीफुल पिक्चर्स, बहुत कुछ डिस्कशंस भी होता था अपार्ट फ्रॉम लव एंड रोमांस, सो यू फील द वाइब्रेशंस। सो बट आप भी थोड़ा सा अपना सेल्फ एस्टीम या डिग्निटी मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हो इन द करेंट पोजिशन, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको लग रहा है इस इंसान का अगर शुरुआत करना है तो उन्हीं के साइड से होना चाहिए। मैं क्यों बार बार जाऊँ, वाई शुड आई, ठीक है, कीप ऑन टैम्परिंग दिस पर्सन, क्यों मैं क्यों करूँ, उसका कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, हमेशा मुझे ही करना पड़ेगा, वट इज़ दिस आपके पर्सन की मेंटालिटी। अच्छा, आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि थोड़ा सा ना मतलब ये लोगों को ईगो दिखाते हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो विद स्टाइल। मतलब क्या है ना, ये इंसान जो है, मैं बोलती हूँ ये शायद ऐसा है, लोगों को लंच में बुलाएंगे, खाने पे बुलाएंगे, सब कुछ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ना दे विल शो, देखो मेरा इस तरह से ही है, मेरा स्टाइल कुछ डिफरेंट है लोगों से, इस तरह का। Now, what is this person's feeling for you? ये क्या चाहते हैं? मुझे दिख रहा है कि आपके साथ जो भी उन्होंने किया, ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपको झूठ कहा, some mysteries were there, कुछ तो under the water था, कुछ तो underground था, जो आपको जैसे पाताल लोक में क्या है अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता, so उस पाताल लोक के अंदर क्या है आपको कैसे पता चलेगा, कि जब तक वो खुद नहीं कहेंगे, until and unless they will speak, okay, how can you know these things? So basically यहाँ पे इस तरह से ही है कि under the water बहुत कुछ mysteries है, ठीक है, बहुत mysterious चीज़ें होते हैं, so वो जब तक हम अंधेरे में ना जाए तब तक हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन अंधेरे में जाने से भी लोगों को डर लगता है। So basically आप already अगर husband wife थे, ठीक है, और अगर हो भी तो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है देर वॉज समवन हु हैड डन सम ट्रिक्स ऑन यू। मैं नहीं बोल रही हूँ कि कुछ इविल एनर्जीज या ब्लैक मैजिक किया गया है, हो भी सकता है सम स्पेल्स किया गया है,
आप दोनों के खिलाफ या आप दोनों ताकि एक साथ ना रह पाओ। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे इस तरह से दिखता है कि सम एनर्जीज आर देयर यू नो व्हाट, कि वो सही नहीं है आप दोनों की। हो सकता है कि जहाँ पे भी आप लोग रहते हो वास्तु शास्त्र सही नहीं है, मे बी सम जब से आप लोग एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं तब से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जब से ये कोई न्यू जॉब में ज्वाइन किए हैं तब से कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और यही वो आपको कहना चाहते हैं कि देखो मे बी हम लोग के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हो रहा है, और मैंने जो आपसे छुपाया है उसके पीछे यही कारण था कि मैं आपको नहीं बता पाया है, नहीं बता पाई। देर वॉज समथिंग, ठीक है, आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारा तमाशा किया गया है, ठीक है। और बेसिकली ये इंसान ही स्टार्ट करते थे ये सब कुछ चीज़। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हमेशा ही साबित करने में तुले हुए थे कि नहीं, आई एम ऑलवेज राइट एंड यू आर रॉन्ग, यू आर नॉट परफेक्ट, आप उतना परफेक्ट नहीं हो, मैं जो चाहता हूँ या मैं जो चाहते हूँ उस तरह से आप ऐसा परफेक्ट नहीं हो, यू आर नॉट यू कैन से लाइक कंपैटिबल विथ मी, ठीक है, मे बी फिजिकली यू आर नॉट कंपैटिबल, उनको ऐसा लगता है, ठीक है, मे बी लुक्स वाइज, मे बी जो भी जिस तरह से वो जज करते हैं, ठीक है, आप परफेक्ट होंगे भी तभी भी उनको दिखाई नहीं देता था। तो ये सब चीज़ उनको याद आ रहा है एंड दे आर रियली फीलिंग सो डिसगस्टिंग, उनको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ वेरी शेमफुल, ये नहीं होना चाहिए था। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, मैं अभी अकेला रह गया, मैं अभी अकेला रह गई, लेकिन मुझे अफसोस है इस अकेलेपन में, उनको अफसोस है इस अकेलेपन में, वो मतलब बहुत प्राउडली वो जी नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आराम से वो जी नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस तरह से ही है। सो कहीं ना कहीं पे दे वांट टू स्टार्ट विथ यू अ न्यू रिलेशनशिप, वो मौका ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से वो आपको मना पाए, हंसी खुशी राजी कर पाए, एक कनेक्शन इस तरह से हो कि जहाँ पे कुछ भी चीज़ की कमी नहीं हो। जिस तरह से भेड़िया है राइट, उसको क्या बोलते आई डोंट नो, लैम्ब आई डोंट नो, जिस तरह से वूल जो है हमें विंटर सीजन में मिल जाता है और वहाँ से हम उन वूल ले लेते हैं और स्वेटर्स राइट बुनते हैं, और कहीं ना कहीं पे क्या है कि वूल इज लाइक दैट कि बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है नाउ इट इज़ एंड इट इज़ यू कैन से दैट इट इज़ प्रोसेस्ड, बहुत कुछ होता है राइट। बट वूल जो है ये तो सारा साल जो है वो मिलता भले ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पे इट इज़ प्रेजेंट राइट, एवरी ईयर देर इज़ अ श्योरिटी दैट वूल हमें मिलेगा। सो कहीं ना कहीं पे ये श्योर होना चाहते हैं कि आपका कनेक्शन उनके लिए रहेगा, और इस कनेक्शन में ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप के साथ शुरुआत करना चाहते हैं एंड दे वांट फ्रेंडशिप से लेकर ये एक परमानेंट कनेक्शन तक लेके जाना चाहते हैं। नाउ दे आर रेडी टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर उन्होंने आपको कहा कि तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेना पड़ेगा, ये सब कुछ बात जो है ये सही नहीं है, इन्होंने ये चीज रियलाइज किया। लेकिन यही उन्होंने आपको पता है क्यों ऐसा कहा, ताकि आप उनके जिंदगी से चले जाओ। आपको क्यों कहा गया कि आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही समझ लेना पड़ेगा, आपको मुझे खुश रखना पड़ेगा, आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेना पड़ेगा, मैं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, इन्होंने जानबूझ के किया, षड्यंत्र रचाया ताकि आप इनके जिंदगी से चले जाओ। बट द रिजल्ट वॉज सो पैथेटिक एंड नाउ दे वॉन्ट टू स्टार्ट द न्यू रिलेशनशिप, दे आर वेटिंग फॉर दिस कनेक्शन टू हैपन। उनको ऐसा लग रहा है चाहे इनकी मेहनत हो आपकी मेहनत हो, समय तो चला गया, नाउ दे वॉन्ट टू पॉलिश दिस कनेक्शन। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे वेरीफाई करके। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज वेरीफिकेशन में मदद कीजिए मुझे, आई वॉन्ट टू वेरीफाई ऑल द कार्ड्स। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड करें, यहाँ पे द मून कार्ड हियर, सो व्हाई दिस मून कार्ड इज हियर। Nothingness, no thingness. This is a dark card. यहाँ पे कुछ भी नहीं। Moon,
डार्क ही है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, क्योंकि मून कब निकलता है गाइस? रात के समय पे ही मून निकलता है, सुबह तो मून नहीं निकलता है, राइट? सो बेसिकली देयर लाइफ इज बिकमिंग डार्क विदाउट यू, ठीक है? आप नहीं तो कुछ भी नहीं, आप नहीं, आप है तो सब कुछ है। आप उनकी जिंदगी में ये जो अंधेरा है इसमें अगर आप वो चांद हैं जो उनकी जिंदगी में आए तो बहुत बढ़िया। ओके, एंड व्हाट दे हैड हिडन फ्रॉम यू, कुछ काला सच, काला सच, डार्क ट्रूथ दैट दे हैव नॉट स्पोकन। ये काला सच कुछ भी हो सकता है, रिगार्डिंग सम ऑफ द बिजायर कनेक्शन, कुछ वियर्ड, कुछ फैंटेसी जो सही नहीं है, ठीक है? कुछ उनका बिजनेस रिलेटेड जो सही नहीं है, कुछ उनका किसी के साथ अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप्स जो सही नहीं है, ठीक है? ओके, ऑल राइट, एस ऑफ एथम्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे सच्चाई, अपने दिल की सच्चाई, इनर वॉइस, इस हाई प्रिस्टेस अगेन, वो आपको ये कहना चाहते हैं, अंदरूनी बात, अंदरूनी खबर, जैसे बोला जाता है ना कि कंपनी का जो है ना अंदर का जो भी खबर है बाहर अगर लीक करता है तो उस एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर की बातें बाहर का लोगों को अगर लीक कर देगा तो कंपनी तो लॉस में चला जाएगा। सो कोई भी कंपनी का सीक्रेट्स जो होते हैं वो बाहर के लोग नहीं जान पाते, वो सिर्फ गिने चुने लोग ही जानते हैं। तो वो जो भी हो उनके दिल में जो भी सीक्रेट्स हैं, दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद यू, दे मे कम्युनिकेट विद यू विद इन अ डे, वीक और अ मंथ, जो भी हो, आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, देर इज अ प्रोबेबिलिटी, देर इज अ जनरल प्रडिक्शन, प्रोबेबिलिटी रह जाता है यहाँ पे। ओके, इट्स अ नाइन ऑफ पेंटेगल्स, यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटेगल्स क्यों है? सेवन ऑफ पेंटेगल्स से इसको जस्टिफाई किया, यहाँ पे भी सेवन ऑफ पेंटेगल्स है। सो बेसिकली दे आर वेटिंग, इनका उनको पता है आपकी मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा होता है, आप राजी होंगे या नहीं होंगे उनको नहीं पता। आप मे भी जब आप प्रेग्नेंट थे, इफ यू हैड बिन मैरिड विद दिस पर्सन, तब भी आपको छोड़ के चले गए थे, या आपका साथ नहीं दिया था, या आपके साथ उन्होंने बात करना ज़रूरी नहीं समझा, आपके हेल्थ के बारे में उन्होंने, मे बी आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते थे बट दे डिड नॉट सपोर्ट यू, बट अभी वो पेशेंस रख रहे हैं ताकि ये जो हैप्पी हैप्पी कनेक्शंस है, ये जो हैप्पी हैप्पी रिश्ता है, ठीक है, चाहे सिंपल लाइफ भी हो, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ भी हो, वो आपके साथ वो कर पाए, ठीक है? ओके, यहाँ पे टू ऑफ एथम्स क्यों है? प्रॉब्लम्स क्या था? यस, कंपेरिशन, जब भी आपके साथ ये किसी का तुलना करते थे, कंपेरिशन इज यू नो वर्ड, इट्स एक्चुअली अ वेरी नेगेटिव थिंग। किसी के साथ किसी का कंपेरिशन इन दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं हो सकता। आपका गुण अलग है, मेरा गुण अलग है, आपका सोच अलग है, मेरा सोच अलग है। आपको पता है किसी के साथ अगर आप खुद कंपेयर करते हो आप अपने आप को इंसल्ट करते हो, ठीक है? तो आप अगर आपको पता है, आपको लगता है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, वो खूबसूरत है, तो आप अपने आप को इंसल्ट करते हो, वो बहुत अच्छा से, ठीक है, काम कर पाते हैं, मैं नहीं कर पाती, मैं नहीं कर पाता, सो आप अपने आप को इंसल्ट करते हो। सो बेसिकली दे यूज टू इंसल्ट, ठीक है? मे बी आप ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं बोल रहा कि सब लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, मे बी दे यूज टू से कि आप हाई हील्स पहने, आप इस तरह का मॉडर्न ड्रेसेस पहने, थोड़ा सा रिवीलिंग ड्रेसेस पहने, कंपेयर करना, ये सब कुछ चीज़ सबको पसंद नहीं था, बट स्टिल वो करते थे। और आप दोनों के बीच में इसी चीज़ का इश्यूज़ क्रिएट होना शुरू हुआ। हो सकता है कि इन्होंने ये भी कहा है कि आप ज़्यादा मतलब कमाते नहीं हो, या आपके घर के तरफ से हो सकता है कि कुछ उनको उपहार या गिफ्ट नहीं दिया गया, तोहफा नहीं दिया गया, कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में था जो वो कंपेयर करते थे, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहीं पे था। ओके, क्योंकि कार्ड जो मैंने निकल के रखी थी वो था उनके करेंट सिचुएशन, करेंट फीलिंग्स भी। ओके,
एस ऑफ पेंटेकल्स, एस ऑफ पेंटेकल्स दे वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रोजन हो चुके हैं। जैसे वो रोना भी चाहते हैं लेकिन उनके आंखों से आंसू जो आ रहा है वो भी शायद आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है बिकॉज नाउ ट्रेजेडी हैज हैपेंड। कुछ तो ट्रेजेडी इनकी जिंदगी में हुआ है। यहाँ पे भी देखो एट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, ये रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, तभी तो ना ये सब पेंटिकल्स है यहाँ पे। आज का मैं रीडिंग में देख रही हूँ हर एक कार्ड प्रॉपरली माइन्यूटली ये जस्टिफाई हो रहा है। ओके Why is this Ten of Wands? Ten of Wands क्यों है यहाँ पे? Past life। यहाँ पे 18 number is the Moon card once more। यहाँ पे क्या है ना, mutual जो relationship आप दोनों के बीच में जो भी था कर्म था और ये लेसन आप दोनों ने सीखा इस रिलेशनशिप में, बहुत कुछ आपने देखा, आपने सहन किया। और ये जो है ना, ये आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत पहले से चल रहा है, पूर्व जन्म से चल रहा है। जो कर्म, टेन ऑफ वैंड्स इज ऑल अबाउट कर्म, कर्म करना, एक्शंस। और एक्शंस का जो कार्ड है वो दिखाई दे रहा है इट इज़ अ कंटिन्यूएशन प्रोसेस, ये पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। इसलिए शायद आप इस जन्म में आप उनके लिए इतना कुछ किए लेकिन उन्होंने रेसिप्रोकेट नहीं किया, शायद पास्ट लाइफ में उन्होंने आपके साथ किया और इस जन्म में आपने उनको जस्ट सब कुछ करके रख दिया। तो ये चीज़ रियलाइज करना भी बहुत बड़ा बात है। सो इफ दिस पर्सन हैड रियलाइज्ड देन इट्स द बेस्ट थिंग टू डू। ओके, यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स क्यों है, यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स क्यों है, वाई दिस फाइव ऑफ कप्स? बियॉन्ड इल्यूशन, इनको अभी ऐसा महसूस हो रहा है दैट इज दिस कनेक्शन पॉसिबल, ये क्या पॉसिबल है, ये तो मुझे छोड़ के चली गई, या ये कनेक्शन नहीं हो पाया, या अभी हम दोनों के बीच में इतना प्रॉब्लम्स है, बिखर रहा है सब कुछ, तबाह हो रहा है, क्या अभी ये पॉसिबल है? तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ दिस इज द बियॉन्ड इल्यूशन कार्ड ऑफ द जजमेंट कार्ड, कि जहाँ पे ये कहता है कि जो सजा करेगा, ठीक है, सॉरी, जो बुरा कर्म करेगा उसको तो फल भुगतना ही है। एंड नाउ दे आर इन द शेडोज, दे आर हैविंग एम्प्टीनेस, ठीक है, खालीपन से गुजरना भी कितना बड़ा एक पाप होता है, आप जानते ही हैं। ओके, ऑलराइट, यहाँ पे द विच क्यों है, ये कौन है अभी, व्हाई इज दिस विच? बट ये पे यहाँ पे ये मैजिशियन का कार्ड है, मे बी दे आर मैनिफेस्टिंग यू टू मच, मे बी ये फीलिंग्स को उस दौरान जाहिर नहीं कर पाए, या वो आपके ऊपर सिर्फ क्रश के फीलिंग्स रखते थे, ठीक है, और म्यूचुअल रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं था, उस तरह से भी हो सकता है। और दे मे बी समवन जो आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। लेट मी सी, 19 नंबर, ओके, द सन, बेसिकली ये इंसान, ठीक है, आपके सोलमेट हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, बट ये आपको अपना सोलमेट बनाने के लिए मे बी दे आर मैनिफेस्टिंग यू, मे बी दे आर स्ट्रांगली कॉलिंग यू, ओके, दे आर कनेक्टेड टू यू टेलीपैथिकली। क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज आपकी इनोसेंस से ज़्यादा बढ़कर और कुछ नहीं है। अभी हम देखना चाहते हैं गाइस कि इनकी नेक्स्ट जो मूव है वो क्या होगा। देखो, इस इंसान जो आपसे कहना चाहते हैं वो इस तरह से है, चाहे आप इनसे कितने भी कोसों दूर हो जाओ, ये आपको अपने पास बुला ही लेंगे, नहीं छोड़ेंगे वो आपको। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ कप्स। आप दोनों में भले ही कितनी भी दूरियां हो चुका है लेकिन ये इंसान इस रिलेशनशिप को एक्सपेंड करना चाहेंगे, ठीक है। अभी उनका सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में, इनकी फाइनेंशियल कुछ कंडीशन सही नहीं है, इनका लॉस हो चुका है, या ये अफसोस कर रहे हैं कि जो मैंने इसके साथ किया मेरे साथ ही वो रिवर्स बैक होके चला आया,
इट्स लाइक अ बूमरैंग इफेक्ट, जो आपके साथ किया उनके साथ हुआ, ठीक है। तो ये इंसान इस चीज़ को रियलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके साथ। बात आज एस ऑफ पेंटिकल्स आया, एस ऑफ कप्स आया और एस ऑफ यस वैंड्स आया था शायद। ओके, सो देर आर न्यू अपॉर्चुनिटीज विद दिस पर्सन एंड आई डू फाइंड कि यही चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सुलझ जाए, सॉर्ट आउट हो जाए, और ये और बिखरना नहीं चाहते इस चीज़ को। दे डोंट वॉन्ट टू ब्रेक इट अप। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। तीन मैसेजेस हम देख लेते हैं। ओके, आउट ऑफ ऑल द अदर पीपल इन दिस वर्ल्ड यू स्टिल चूज मी। कहीं ना कहीं पे आपने जैसे उनको चूज किया था विद द टू ऑफ हैंड्स, आपके हाथ में जब ऑप्शंस था तब आपने उनको चूज किया, अभी वो चीज रियलाइज कर रहे हैं। आई कैन ऑलवेज टॉक टू यू अबाउट एनीथिंग, आई डू नॉट हैव टू वरी अबाउट योर रिएक्शन एंड इफ यू विल जज व्हाट आई हैव टू से। मतलब जब वो आपके साथ बात करते, फ्रीली बात करते, उनको कोई डर नहीं रहता है कि वो उनको अगर कुछ गलत भी बोल दिए तो आप माइंड नहीं करेंगे। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी रियल विथ मी एंड टेल मी द ट्रूथ इवन वेन इट इज़ नॉट ऑलवेज समथिंग दैट आई वॉन्ट टू हियर। मतलब आप हमेशा सच्चाई ही बोलते हैं और यही है और यही चीज़ उनको बहुत पसंद आता है। यू आर द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड ट्रूथ that they love it. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and